तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय इंजीनियर साइड यूट्यूब चैनल। मैं योन और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ माय इंजीनियर साइड यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये ग्लू गन हो चुकी है खराब, जो कि सर्किट बोर्ड में पटाखा मार चुकी है। आज हम इसको सही करेंगे। प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपको बराबर नॉलेज मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने चलते हैं ट्यूटोरियल पर और इस ग्लू गन को ठीक है, चुप हो जाए बेटा, चुप हो जाए, को सही करने आ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे ग्लू गन है, इसको मैं फटाफट से खोल लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, एक ग्लू गन खुल चुकी है, इसके सारे को साइड में रखते हैं अपने। फ्रेंड्स देखिए, ग्लू गन के अंदर ये सारा सामान निकलता है। एक ये जो ग्लू गन के लिए होती है, जो मेल्ट करती है ग्लू स्टिक को, और एक इसके अंदर ये पुशर होता है। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर जैसे कि बिजली में पटाखा मार गई थी, तो फ्रेंड्स ये मतलब पटाखा तो मारी थी, लेकिन जो इसकी वायर है, ये मतलब इसका जॉइंट टूट गया है। तो आप इसको ठीक कर सकते हैं घर पर ही, आपको बाजार जाने की कोई लोड नहीं है। तो मैं फटाफट छील लेता हूँ। फ्रेंड्स, इसको मैंने छील लिया यहाँ से, और जहाँ से इसका जॉइंट अलग हुआ है वहाँ पे आपको इसको कस देना है वापिस से। आपके पास अगर हीट सिंक है तो आप हीट सिंक भी यूज़ कर सकते हैं रबड़ वाली, या फिर आप टेप भी यूज़ करते हैं। मेरे पास टेप है, ब्लैक टेप, मैं इसको यूज़ करके इसको कवर अप कर दूंगा। फ्रेंड्स, ब्लैक टेप जो होती है वो रबड़ की बनी होती है, ये एकदम सेफ होती है ग्लू गन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, इसको लपेट देते हैं पूरा अच्छी तरह, इसको भी यहाँ से ऐसे पूरा लपेट देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ग्लू गन रिपेयर हो चुकी है, अब इसके अपने सारे पेज कस देते हैं। इसको पुशर लगाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका पुशर लगा रहे हैं, ये वायर है फ्रेंड्स, ये इधर रखिएगा इसके, ताकि ये वापस से पटाखा ना मारे आपके ग्लू गन। अब इसको फटाफट से कस देते हैं हम, और फिर इसकी करते हैं टेस्टिंग की ये ठीक हुई है या नहीं हुई। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अब इसको हम फटाफट से कस देते हैं। फ्रेंड्स, मैं अगली वीडियो एंड्रॉइड पे लेके आऊंगा, प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, उस वो वीडियो आपके बहुत काम आएगी एंड्रॉइड मोबाइल के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी लास्ट पेज रह गया, अब इसको हम भी कस लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी ग्लू गन हो चुकी है तैयार एकदम, अब इसे कर लेते हैं टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मेरे पास एक सर्किट बोर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी रेड लाइट ऑन है एकदम। मैं आपको टेस्टर से भी चेक करके दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स इसके अंदर अब रेड लाइट ऑन हो गया है, तो ये मतलब सर्किट बोर्ड एकदम चालू है। तो अब मैं इसको गर्म होने के लिए इसके ऊपर लगा देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ग्लू स्टिक है छोटी है, तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर इसको भी डाल देता हूँ मैं। फ्रेंड्स ये गर्म हो जाए उसके बाद हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। टेस्टर ऑन है फ्रेंड्स, मतलब सर्किट भी ऑन है, यहाँ पे रेड लाइट भी ऑन है इसकी, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता, एकदम रियल वीडियो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ। A few moments later, तो फ्रेंड्स ये हमारी ग्लू गन गर्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर से ग्लू स्टिक नीचे बाहर निकल रही है। तो मैं इसको यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ, और अब आपको ये आइसक्रीम स्टिक चिपका के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये एकदम रियल वीडियो है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, कहीं आप सोचे ये मतलब सर्किट बोर्ड एकदम सही था इसका, तो ये सारा खराब था सर्किट बोर्ड इसका। ये एकदम अच्छी तरह से काम भी कर दिया फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, बी सेफ। Oh, 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 oh